हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाइफ इन इटली विद दुरुज। आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और सबका फेवरेट चिकन पिज़्ज़ा। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो प्रिपेयर कर लेते हैं। एक क्लीन बाउल में 2 टीस्पून ड्राई एक्टिव यीस्ट ले लें। इसके अंदर ऐड करें 1 टेबलस्पून शुगर। इन दोनों को मिक्स कर लें। अब इसमें 1 कप नीम गरम पानी ऐड कर दें। इनको मिक्स करें और कवर करके 10 मिनट्स के लिए रख दें ताकि यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। इस पॉइंट पे नमक हरगिज ऐड ना करें। नमक ऐड करने से यीस्ट की फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। यीस्ट रेडी हो गया है तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 कप मैदा। एक अंडा नॉर्मल साइज का रूम टेम्परेचर पर, नमक 1 टीस्पून, ऑयल 3 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। स्पैचुला की हेल्प से इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो जाएं तो हाथ की मदद से थोड़ा सा डो को गूंद लें। पिज़्ज़ा डो को हमने अच्छे से गूंद लिया है तो अब इसको क्लिंग फिल्म के साथ कवर कर देते हैं ताकि ये एयर टाइट हो जाए और इसको किसी हल्की गर्म जगह पे रख दें 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक कि ये साइज में डबल ना हो जाए। अब हम चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए एक सेपरेट पैन में 2 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल ले लें और उसमें 400 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड कर दें। चिकन को मीडियम फ्लेम पे कुक करें जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। इसके अंदर ऐड कर दें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। इसको मिक्स करें। इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और लास्ट में अनियन पाउडर 1/2 टीस्पून। सब स्पाइसेस को चिकन के साथ मिक्स करें और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस ऐड कर दें। अब इसको मीडियम फ्लेम पर जब तक पकाएं जब तक कि चिकन का पानी ड्राई ना हो जाए। तो लीजिए, चिकन रेडी हो गया है तो अब हम इसको साइड पे रख देते हैं बाद में इस्तेमाल के लिए। पिज़्ज़ा डो परफेक्टली राइज हो गई है। तो अब हम इसको 1-2 पंचेस लगा लेते हैं ताकि इसके बबल्स निकल जाएं। पिज़्ज़ा डो की इस क्वांटिटी से आप मीडियम साइज के 2 पिज़्ज़ास बना सकते हैं लेकिन मैं एक बड़ा पिज़्ज़ा बना रही हूँ एक्स्ट्रा लार्ज साइज का। थोड़ा सा मैदा छिड़क लें और पिज़्ज़ा डो को उस पर स्प्रेड कर दें। पिज़्ज़ा डो रोल हो गई है। इसको हमने रोटी की तरह बारीक नहीं बेलना, इसकी थिकनेस इतनी रखनी है। अब इसको हम पिज़्ज़ा पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं 14 इंच का पिज़्ज़ा पैन यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम इसके ऊपर चिकन लगा देते हैं जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा था। और इसके ऊपर डाल देते हैं 1/2 प्याज जो मैंने जूलियन में कट कर लिए थे। और 1/4 शिमला मिर्च जूलियन में कट करके। आप डिफरेंट कलर की यूज़ कर सकते हैं या एक भी कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। अब इसके ऊपर जाएगा चीज़। आप चीज़ की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। लास्ट में इसमें डालेंगे ऑलिव्स और ऑरिगानो।
अब इसको हम प्री हीटेड ओवन में 15 टू 20 मिनट्स के लिए 220 डिग्रीज पर बेक करने के लिए रख देते हैं। तो लीजिए, आपका मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार है। आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। आज इस रेसिपी को ट्राई करें और पिज़्ज़ा बनाएं और घर में सबकी तारीफें वसूल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।